बहनों और भाइयों, जय हिंद। जरा मुझे आपकी आवाज भी तो सुनाई दे, मेरे साथ कहिए जय हिंद। ये आकाशवाणी की रिकॉर्डिंग है। पांचवें बार मैं यहाँ इस लाल किले की दीवार पर आया हूँ इस प्यारे झंडे को फहराने के लिए। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिपोर्ट। 4 बरस हुए जब पहले दफे में आया था और आप आए थे, तो आप लोग खामोश रहे तो आवाज शायद पहुंच जाएगी दूर तक। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। 4 बरस हुए पहले दफे यहाँ आया था मैं और आप लाखों की तादाद में यहाँ जमा हुए थे और हमने इस अपने पुराने और नए झंडे को यहाँ उठाया था। और ये दिल्ली शहर जो कि सैकड़ों और हजारों बरस से अजीब अजीब नज़ारे देख चुका है, जिसके सामने हिंदुस्तान की तारीख और इतिहास एक किताब की तरह से लिखा गया है और उसने देखा है और पढ़ा है, इस दिल्ली शहर ने एक नई तस्वीर देखी, एक नई बात उसके सामने आई, एक नई कौम की करवट उसने देखी। 4 बरस हुए और मुनासिब था कि आप और हम उस मौके को मनाने के लिए यहाँ जमा हो, यहाँ इस लाल किले की दीवार पर या इसके करीब, क्योंकि इस किले की एक एक ईंट और पत्थर, और जैसे कि इस दिल्ली का एक एक ईंट और पत्थर हिंदुस्तान की तारीख से भरा है। इस शहर ने हिंदुस्तान की शान देखी और हिंदुस्तान का गिरना देखा, हिंदुस्तान की का आगे बढ़ना देखा और उसका पतन देखा। सब बातें इसने इस दिल्ली की याद में, दिल्ली के दिमाग में ये पुरानी तस्वीरें सब कुछ, तो इसलिए मुनासिब था कि हम इस वक्त जबकि एक नई करवट कौम ने ली दिल्ली शहर और ये दिल्ली का लाल किला इस बात को देखता और उससे इसका भी कोई संबंध किया जाता। आप और हम 4 बरस हुए यहाँ जमा हुए थे और शहर में, इस शहर में और हिंदुस्तान के सारे हर एक गांव और शहर में खुशी मनाई गई थी, क्योंकि एक हमारे बड़े सफ़र का एक मंजिल पे हम पहुँचे थे, जो हमारी पुरानी आरजू थी, जिसके लिए जद्दोजहद किया था, जिसके लिए एक बड़े शहनशाहियत एक साम्राज्य के खिलाफ का हमने मुकाबला किया था और उसमें हमारी कामयाबी हुई और उसमें हम आखिर में मंजिल पे पहुँचे, तो मुनासिब था कि इस बात को हम खुशी से मनाते। खुशी हमने मनाई, लेकिन हमारी खुशी का खास खुशी हम मना ही रहे थे जबकि ऐसे वाकयात हुए जिससे आंसू हमें आ गए। हमें खाली नहीं लेकिन लाखों लाखों को आंसू आए, करोड़ों को आए, क्योंकि हमारे लाखों भाई और बहन मुसीबत में पड़े और उसकी निशानी आज तक है यहाँ। कितने हमारे भाई शरणार्थी अपने अपने घर बार से निकाले हुए दिल्ली में या और हिंदुस्तान के हिस्सों में हैं। हमें आंसू आए उनकी मुसीबत पर, लेकिन उससे ज़्यादा हमें आंसू आए और हम रंजीदा हुए इस बात से कि हमारे मुल्क में भाई भाई की लड़ाई हुई और हम अपने ऊंचे उसूल भूल गए और हमने हाथ उठाया अपने पड़ोसी पर और हम सब अपने जो कुछ हमने बुनियादी बातें सीखी थी पिछले ज़माने में वो हमारे दिमाग से हट गए। रंज हुआ इस बात का कि आखिर जो एक हिंदुस्तान की एक शान थी, जिसको हमारे बड़े नेता ने, महात्मा ने दुनिया के सामने रखा था, वही शान एकदम से गिर गई
हमारे पड़ोसी लोग क्या करें, हमारे पास के मुल्क वाले क्या करें, अफसोस था। खैर उनकी जिम्मेदारी, लेकिन रंज हमारे दिल में ये था कि हम अपने उसूलों से गिरे। खैर ये सब बातें याद आती हैं उस चार बरस हुए कि जब तस्वीर सामने आती है। चार बरस गुजरे, कोई बड़ा वक्फा नहीं है, बड़ा जमाना नहीं है, खासकर एक मुल्क की जिंदगी में। लेकिन मुझे मालूम होता है ये चार बरस खाली चार बरस नहीं, लेकिन एक करीब करीब एक उम्र बीत गई। क्योंकि इन चार बरसों में जो हमारे तजुर्बे हुए, जो मुसीबतों को सामना करना पड़ा आपको, मुल्क वालों को, हमको, उन्होंने उन चार बरसों को बहुत लंबा कर दिया है। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे सामने कोई कड़ी आजमाइश न होती, कोई मुसीबतों के तराजू के हम नहीं तोले गए होते, तब क्या बात होती। आजकल भी जब मैं देखता हूँ तो हम में से काफ़ी लोग गफलत में पड़ जाते हैं। जो आजकल दुनिया का हाल है और हिंदुस्तान का हाल है उसको भूल जाते हैं, अपने आराम तलबी में या अपने खुदगर्जी में पड़ जाते हैं, चाहे कौम का फ़ायदा हो या नुकसान। अगर आजकल की हालत में यह है तो कहीं हमारे सामने ये बातें आजमाइश की न होती तो शायद सारी कौम गफलत में पड़ जाती। और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात कोई नहीं है, एक कौम भर आराम तलबी और खुदगर्जी में पड़ जाए और भूल जाए क्या उसके फ़राइज़ हैं, भूल जाए क्या उसके उसूल और सिद्धांत हैं, भूल जाए कि क्या क्या ख़तरे उसके चारों तरफ हैं। क्योंकि असल कमज़ोरी वो होती है और सब कमज़ोरियाँ उसके सामने कुछ नहीं। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिपोर्ट। हमने आज़ादी हासिल की, किस तरह से, कौन सी ताकत थी जो हमने पैदा की? वो ताकत थी एक दिल की, एक रूहानी ताकत और एक दिल की ताकत, जो कि कभी दुश्मन के सामने झुकती नहीं थी, जो कि कोई भी मुसीबत आए फिर भी उससे घबराती नहीं थी। ये ताकत महात्मा जी ने हमारे दिलों में डाली। हम तो मामूली आदमी थे, कमजोर दिल के आपस में लड़ने वाले, लेकिन उन्होंने ये सबक हमें सिखाया और अपनी मिसाल से और अपने लफ्ज़ों से, अपनी बात से, कि हमें ऊंचे रास्ते पे चलना है, हमें आपस में मिलकर रहना है, क्योंकि मिलकर ताकत होती है। हमें इस देश को एक ज़बरदस्त मजबूत देश बनाना है जिसके 40 करोड़ आदमी मिलकर एक तरफ देखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अगर कोई दुश्मन हो तो उसका मुकाबला करते हैं। इस तरह से हमारी ताकत बढ़ी। किसकी ताकत थी वो? किसी बड़े हथियार की नहीं, बल्कि हमारे करोड़ों आदमियों की दिलों की ताकत थी और दिलों का मेल था। अब अगर वो ताकत कम हो हमारी तो कोई आपकी ऊपर की जो हो ताकत वो बहुत दूर नहीं हमें ले जाएगी। इसलिए आज के दिन ख़ास तौर से ये ज़रूरी है कि ज़रा हम पीछे देखें कि क्या चीज़ें हमें कमज़ोर करती थी जिन्होंने हिंदुस्तान को गिराया था और ग़ुलाम बनाया, और क्या चीज़ें ऐसी थीं जिन्होंने फिर हिंदुस्तान को उठाया, हमारी ताकत बढ़ाई और आखिर में आज़ाद किया। ये याद रखने की बात है, क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि हम आज़ाद हो गए तो ये काम पूरा हुआ और फिर अब हम आपस में जो चाहें करें, जो चाहे हम आपस में लड़ाई भी लड़ें या और तरह से अपनी ताकत को ज़ाया करें, गलत बात है। याद रखिए आज़ादी एक ऐसी चीज़ है कि जिस वक्त गफलत में आप पड़े वो फिसल जाएगी, वो जा सकती है, वो खतरे में पड़ जाती है। और ख़ासकर आजकल की दुनिया में क्या है, आजकल की दुनिया एक ख़तरनाक दुनिया है, एक कड़ी और सख्त और बेरहम दुनिया है। वो रहम नहीं खाती कमज़ोर के तरफ, वो जो कमज़ोर है कोई कौम या मुल्क वो गिरता है उसके सामने। लेकिन आखिर में ताकत क्या चीज़? ताकत एक मुल्क की होती है, उसकी फौज है,
उसके सामान, उसके हवाई जहाज हैं, उसके समंदरी जहाज हैं, और हमें इस बात की खुशी है और इस बात का गुरूर है कि हमारी फौज, हमारे नौजवान जो फौज में हैं, या हवाई जहाज़ों को ऊँचे आसमान पर उड़ाते हैं या समंदर की लहरों पे जो घूमते हैं, वो बहादुर नौजवान हैं, तगड़े हैं और हिंदुस्तान की माकूल हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन लेकिन आखिर में हिफाजत बड़ी से बड़ी और बहादुर से बहादुर फौज मुल्क की नहीं करती है, आखिर में उस मुल्क के लोगों के दिल करते हैं, वो तगड़े हैं कि नहीं हैं, वो छोटी बातों में पड़े हैं या बड़ी बातों की तरफ देखते हैं, वो आप उसमें मिलते हैं क्या, आप उसमें लड़ाई करते हैं, वो आखिर ताकत होती है फौज के पीछे भी और यूँ भी जो मुल्क को मजबूत करती है। लोग मुल्क के काम करने वाले हैं या एक आराम करने वाले हैं। अजीब हालत है, मैंने देखा बहुत एक पुराने ज़माने में अक्सर बड़े ज़ोरों से काम होते थे, मुकाबला होता था इस आज़ादी की लड़ाई में, और फिर मैं देखने लगा कि अक्सर लोग जो पहले काम भी करते थे अब इस काम की याद में आराम करते हैं। तो जहाँ काम की बजाय आराम ज़्यादा हुआ वहाँ कौम कमज़ोर हुई, जहाँ वो जो हिम्मत थी हमारी उसके बजाय एक एक सुस्ती आ गई तो कौम कमज़ोर हुई। इसलिए ज़रा हमें उन बुनियादी बातों के तरफ देखना है। आज सवेरे हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साहब राजघाट गए, मैं भी गया, कुछ और लोग भी गए, महज एक फ़र्ज अदा करने नहीं बल्कि कुछ ताकत लेने, अपने दिमागों को, अपने दिल को उस पुरानी याद से, वो याद तो हमेशा हरी रहती है लेकिन फिर भी मुनासिब है कि हम उसको बार बार अपने सामने लाएं, उन उसूलों को, उस सबक को। तो मैं वहाँ गया और गए और वो तस्वीरें मेरे सामने आईं और वो लफ्ज मेरे कानों में गूंजे जो बरसों हुए हम सुना करते थे और अब उनके सुनने से महरूम हो गए। तो वहाँ गया, वहाँ से यहाँ आपके सामने हाजिर हुआ और मेरा ख्याल दौड़ा कि आजकल हिंदुस्तान की हालत के तरफ किस तरह से हम सब, आप और हम और इस मुल्क के रहने वाले एक किश्ती पर हैं, और अगर वो की किश्ती हिलती है तो हम सब हिलते हैं, और अगर वो किश्ती डूबती है तो हम सब डूबते हैं। ये ना कोई समझे कि कोई लोग अगर मुल्क गिरे तो कोई लोग बच जाते हैं, अगर मुल्क आगे बढ़े तो फिर सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारा नाता क्या है और रिश्ता क्या है। आप उसमें आप बहस कर लें, अलग अलग दल और अलग अलग पार्टी, और आप लोग चुनाव में जाएं, वो सब बातें अलग हैं, लेकिन हमारा एक नाता और रिश्ता ज़बरदस्त हर वक्त का है, और ख़ासकर इस वक्त जबकि दुनिया में ख़तरा और हमारे मुल्क में तरह तरह के बाहरी ख़तरे और अंदरूनी ख़तरे, सब और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी छोटी बातों को दबाएं और गिराएं और अपने को तगड़ा करें, मजबूत करें और आप उसमें एकता करें। याद रखिए 40 करोड़ लोग हैं, जाहिर सी बात है कोई 40 करोड़ हिंदुस्तान में फरिश्ते नहीं हैं, कमज़ोर दिल के हैं, डरपोक दिल के हैं, कोई लोग ऐसे भी हैं कि जो मुल्क के साथ गद्दारी करें, सब तरह के मुल्क में होते हैं। तो हमें इस बात से घबराना नहीं है, बाहर के मुल्कों से लोग आ सकते हैं झगड़ा फसाद पैदा करने, क्योंकि हर एक जानता है कि आखिर में ताकत मुल्क की एक अमन और एकता कायम करने से होती है। इसलिए जो कुछ लोग तो बेवकूफ़ी से झगड़ा पैदा करें अपनी जहालत से, लेकिन कुछ लोग समझ बूझ के पैदा करते हैं ताकि मुल्क कमज़ोर हो, चाहे वो बाहर से आ जाएं या अंदर के हों। मैंने सुना कि आज ही सुबह, आज ही किसी वक्त, आज या सुबह या रात को दिल्ली शहर में एक ऐसी झगड़ा करने की किसी आदमी ने कोशिश की, ऐसी बात की। तो आपको इस बात से आगाह होना है कि आप किसी ऐसे झगड़े
झगड़ालू के बातों में ना आ जाएं और कोई वाकया भी ऐसा हो जिससे आपको गुस्सा चढ़े, और चल सकता है, बहुत सारी बातें होती हैं जो नागवार गुजरती हैं, गुस्सा चढ़ता है, तो फौरन समझिए ये किसी गलत आदमी ने, किसी बुरे आदमी ने, किसी ऐसे आदमी ने झगड़ा कराना चाहता है उसने कराया है, और आप उसमें न पड़िए, बल्कि कोशिश हमारी हो कि शांति से और इत्मीनान से उसको वहीं दबा दें। ये सब में बड़ा मुकाबला है किसी उन लोगों का जो झगड़ा कराते हैं। तो परस के इस आज हमारी इस चौथी सालगिरह के दिन हमें किस ढंग से इस नए साल का सामना करना है, हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं। हमारी उम्मीदें थी, हमने तरह तरह के नक्शे बनाए थे कि हमने एक काम पूरा किया, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद दूसरी लड़ाई हमें लड़नी है, और वो लड़ाई है असली लड़ाई, हिंदुस्तान की गरीबी से लड़ाई, हिंदुस्तान की बेकारी से लड़ाई, और उसमें हम एक दफ़े आगे बढ़ें और जीतें, तब सारी कौम 30-40 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के हल्के हल्के उठेंगे और उनकी मुसीबतें कम होंगी। ये असली लड़ाई थी जो हम लड़ना चाहते, लेकिन बदकिस्मती से हम फंस गए किस किस मुसीबत में, किस किस परेशानी में, और उधर आगे न बढ़ सके। और सब में बड़े रंज की बात ये हुई कि आज़ादी आई, सियासी आज़ादी आई, लेकिन जो आज़ादी का फ़ायदा कौम को मिलना चाहिए था कुछ मिला ज़रूर, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं मिला, और काफ़ी परेशानियाँ आप लोगों के और हिंदुस्तान के रहने वालों की रहीं, काफ़ी परेशानियाँ। आप जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, किस तरह से चीज़ों के दाम बढ़े, उसका असर सारी कौम पर, चाहे आप तनख्वाह लेते हैं या कुछ और तरह से रहते हैं, एक दाम बढ़ते जाते हैं, खाने का सवाल, खाने की कमी, राशनिंग और क्या क्या बातें आईं, और आप परेशान हुए, और आप लोगों ने या मुल्क ने अक्सर शिकायत की और जा शिकायत की, क्योंकि परेशानी की शिकायत करनी है, लेकिन एक ऐसे जकड़ गए हम उसमें कुछ तो, और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीज़ों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात, अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीज़ों के दाम से पड़ जाए, लेकिन उसी के साथ ये भी बात है और ये हमारे काबू की बात है कि हमारे मुल्क ही में बाज़ लोग ऐसे कि जो अपने खुद गर्जी के लिए अपनी लालच में ऐसी बातें उन्होंने की कि खुद फ़ायदा हो चाहे कौम को नुकसान हो, ये गलत बात है, जाहिर है, और हर हुकूमत को इसको रोकना चाहिए और दबाना चाहिए और काबू में लाना चाहिए। मुमकिन है कि जिस ताकत से, जिस पूरी कामयाबी से उसको करना चाहिए नहीं हुआ, लेकिन ये भी याद रखिए कि हुकूमत कुछ करे, आखिर में ऐसे मामले में या किसी बड़े मामले में जब तक आम जनता का साथ न हो और आम जनता का सहयोग और पूरी मदद न हो, वो बात पूरी चलती नहीं है। और ये फिर काले बाजार और इस तरह की चीज़ें जो बढ़ती हैं, ज़रूर गवर्नमेंट उसको कर सकती है अपने कानून से, अपने और असरात से, लेकिन आखिर में जनता की मदद से ये बात हो सकती है। तो हमें और आपको तरीक़े निकालने, किस तरह से इसको रोकें, जो चीज़ एक दबाती है इस वक्त कौम को और मुसीबत में डालती है। आप शायद जानते हो कि अभी कुछ दिन हुए एक योजना, एक 5 बरस की योजना या प्लान, नेशनल प्लान, राष्ट्रीय योजना निकाली गई है, जिसका मतलब यह है कि वो किस तरह से हम जिस बड़ी लड़ाई को जीतें, बड़ी लड़ाई यानी हिंदुस्तान के गरीबी के ख़िलाफ़ लड़ाई और बेकारी के ख़िलाफ़, किस तरह से हिंदुस्तान में ज़्यादा काम हो, ज़्यादा पैदावार हो, ज़्यादा धन और दौलत निकले जो कि आम लोगों में जाए। बड़ा काम है, थोड़े से आदमियों का नहीं, 40 करोड़ आदमियों के लिए, तो वो एक बड़ी योजना बहुत सोच विचार के बाद बनी, अभी तक वो आखिर नहीं है, वो छपी है और आप भी उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपनी सलाह दे सकते हैं उस पर गौर करके, सब सलाहों पर महीने दो महीने बाद उसको पक्का करेंगे। अब उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि सरकारी तौर से करनी है, गवर्नमेंट को करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट यहाँ दिल्ली की हो या हमारे एक एक प्रांत और प्रदेश की हो,
लेकिन उसमें ये खास लिखा है विशेषकर कि उसकी जड़ और बुनियाद जो है वो जनता के सहयोग की है। हम अगर जनता न करे, करोड़ों आदमी उसमें न लगे, चाहे वो एक एक आदमी थोड़ी बात करे, लेकिन जब वो न लगे तो महज गवर्नमेंट के काम करने से वो बातें बड़ी पूरी नहीं होती। बाद लोग कहते हैं कि बाहर से मदद लेके इस काम को करो। हम बाहर से मदद लेने को तैयार हैं, बशर्त के उसमें कोई बंधन न हो किसी किस्म का, और बाहर की मदद कुछ हमें मिली भी है। लेकिन आप याद रखें कि बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ देखना, मदद के लिए भरोसा करना, चाहे पैसे के लिए या किसी और बात के लिए, कौम को कमज़ोर करता है, अपाहिज हो जाती है, दूसरों की तरफ देखती है। बहुत आपका सरकारी अफसरों की तरफ देखना और हर बात गवर्नमेंट कर दे, वो भी गलत है। गवर्नमेंट का तो फर्ज और कर्तव्य है उन बातों का करना। लेकिन ये पुरानी रिवायत अंग्रेज़ी राज्य के ज़माने से, अंग्रेज़ी राज आप जानते हैं उस ज़माने में मशहूर था के जो अंग्रेजी अफसर थे उनके खुशामदी लोग उनसे कहते थे आप माँ बाप हैं, माँ बाप मिल के हो जाते थे वो। खैर, अब कोई माँ बाप यहाँ नहीं रहा है, मैं आपसे कह देता हूँ इस तरह का। और हम नहीं चाहते कि आपकी या हमारे लोगों का ध्यान हर वक्त एक रहे, एक ऊपर रहे या दाएं या बाएं रहे कि कोई और आदमी हर एक कुछ कर दे, या कोई हुकूमत या म्यूनिसिपैलिटी। अगर हुकूमत या म्यूनिसिपैलिटी या जो कुछ हो वो अपना फ़र्ज नहीं ठीक करती, आप आवाज़ उठाइए, ठीक है, आपका हक है, आवाज़ उठाइए, अपनी राय दीजिए जो जाब्ते से है। लेकिन जो बात आपकी समझने की है वो ये कि हम खुद क्या कर सकते हैं, पड़ोसी की नुकताचीनी सब कर सकते हैं, खुद क्या कर सकते हैं। हमारे सामने इस वक्त हम बड़ी बड़ी योजनाएँ बनाते हैं और योजनाएं में बेशुमार रुपया खर्च होता है। कहाँ से रुपया आए? आखिर रुपया आप देते हैं टैक्स में, कहीं आसमान से तो नहीं चिपकता? और अगर हम और मुल्कों से कर्जा लें रुपया, तो उस कर्जे का बोझा होता है, कर्जा अदा करना होता है, तो फिर कैसे हम ये बातें करें, बड़ी बड़ी चीज़ें जो करनी है। खैर, बहुत तरीक़े हैं, लेकिन एक बात, अगर कुछ बड़े बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर एक एक गाँव में और एक एक शहर में अगर एक एक इंसान थोड़ी बात भी करे, मैं मिसाल आपको देता हूँ और ये तजुर्बे से मिसाल देता हूँ, कई हमारे प्रदेशों में, प्रांतों में, खासकर देहातों में हमने प्रोग्राम बनाया कि लोग अपनी मेहनत से सड़कें बनाएं, सड़कें बहुत कम हैं आप जानते हैं देहातों में, मकान बनाएं, पंचायत घर बनाएं, कहीं कहीं छोटी छोटी नहरें खोदें, कहीं कहीं छोटे स्कूल विद्यालय बनाएं, अपनी मेहनत से, यानी सरकारी तौर से नहीं, सरकारी तौर से उन्हें कुछ मदद मिल जाए, सामान मिल जाए अपनी मेहनत से। चुनाचे हजारों मील सड़कें मुफ्त में उन्होंने लोगों ने बनाई अपने फायदे के लिए। तो अब हम बड़े बड़े नक्शे बनाते और प्लान बनाते कि चलो भाई यहाँ सड़कें बनाने में 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 1 करोड़ रुपए लाओ, और इस तरह वो नक्शे बनते रहते और हमारे दफ्तरों में बड़े बड़े फाइल बनते ऊँचे और उससे बड़े बड़े नोट लिखे जाते, लेकिन वो सड़कें और वो विद्यालय वो नहीं बनते या अरसे बाद बनते। ये तरीका है, गवर्नमेंट ज़रा हल्के चलती है, मुश्किल तो ये है गवर्नमेंट की कार्रवाई, लेकिन अगर लोग खुद करें और उसमें गवर्नमेंट के तरफ से मदद हो कुछ ना कुछ, तो आप देखें थोड़े दिन में हम सारे इस हिंदुस्तान के नक्शे को बदल दे सकते हैं। और मुल्कों से आप देखें, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ यूरोप के मुल्कों की, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ चीन की, जहाँ लोगों ने अपनी मेहनत से, यानी कोई मैं इस वक्त वो नहीं कह रहा हूँ जो सरकारी तौर से या मजदूरी से हो, लेकिन अपने अपने गांव वालों ने कहा हम अपने गांव को की सड़कें बना देंगे, हम यहाँ एक स्कूल बनाएंगे, हम पंचायत घर बनाएंगे, और उन्होंने खड़ा कर दिया। और जब गाँव का मुकाबला हुआ इसमें हम ज़्यादा आगे बढ़ें कि तुम बढ़ो, तो सब लोग बढ़ने लगे आगे में दोस्ती के मुकाबले में। तो इस तरह से जो ये 5 बरस की योजना बनी है, ये ना समझिए ये कोई सरकारी चीज़ है ऊपर से करने की, वो तो है ही, लेकिन ये एक एक आदमी की चीज़ है और उसमें सब लोग मिलें तो फिर हमें बाहर की ना पैसे की ज़रूरत है ना मदद की। याद रखिए कि आखिर
ये जो पैसे का बड़ा चर्चा होता है, इससे हमारे दिमाग कुछ फिर गए हैं, बहुत ज्यादा दुकानदारी के दिमाग हो गए हैं और कुछ गलत हम समझने लगे हैं कि पैसा क्या चीज है। अफसोस यह है कि पैसा एक जरूरी चीज है आजकल की जिंदगी में, लेकिन आखिर में जो दौलत है इंसान के पास, वो उसकी मेहनत है और दिमाग की काबिलियत है और हाथ पैर की ताकत है मेहनत करने की। आप और हम अपनी मेहनत से दौलत पैदा करते हैं, कोई सोना चांदी बच्चे नहीं पैदा करता है। हालांकि आजकल के हिसाब से लोग ये समझते हैं और कुछ रवैया भी ऐसा है, इसलिए जो असल दौलत है वो इंसान की मेहनत है। और हमारे पास अगर सोना चांदी मुल्क में काफ़ी नहीं है तो इंसान तो काफ़ी हैं तगड़े काम करने वाले, क्यों ना हम उनकी उस उनके काम से और मेहनत से हम नई दौलत पैदा करें जो उनके पास जाए और मुल्क आगे बढ़े। इस तरह से आजकल चीन का मुल्क बढ़ रहा है और मुल्क उसको कौन मदद करने वाले हैं, लेकिन एक जोश से मेहनत करते हैं। अमेरिका एक देश है, बड़ा दौलतमंद देश है, लेकिन ये ना आप भूलिए कि उनकी दौलत आती कहाँ से, उनकी मेहनत से आती है, कोई बाहर से नहीं टपक पड़ती है, अपनी मेहनत से काबिलियत से आती है। क्योंकि आखिर में कोई देश अपनी मेहनत से अपने बाजू बल पे चल सकता है औरों के नहीं। इसलिए कभी कभी मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में तो मुझे ख्याल आता है कि कुछ पुरानी गुलामी के सर्व और ख्यालात हमसे दूर नहीं हुए और हम फिर हर वक्त ऊपर देखते हैं सरकार के तरफ क्यों कर दे और खुद इंतज़ार करते हैं और या नाराज़ होते हैं या अपने को बदकिस्मत समझ के बैठ जाते हैं। ये नहीं कि हम और कुछ काम नहीं है बजाय इसके कि दरवाजे दफ्तरों के टकराने के हम एक फड़ुआ लेके जाके खोदें, कुछ काम करें, अपना शरीर भी अच्छा करें, कुछ पैदा करें उससे। मुश्किल तो यह है कि हमारे लोग अब शायद पहले से कम लेकिन अब भी काफ़ी सब लोग समझते हैं कि इज्जत एक बाबू होने में है और बाबुओं के काम करने में। खैर बाबू लोग अच्छे होते हैं, यानी बाबू से मेरा मतलब है जो कि दफ्तरों में काम करें या बड़े अफसर हों छोटे अफसर हों, सब एक तरह से उस पसंद का काम करते हैं, वो ज़रूरी काम है। लेकिन मुल्क बढ़ता है हज़ार बातों से, हज़ार कामों से, और हर एक आदमी कान पे कलम रख के दफ्तर में बैठ के अगर जगह न हो तो उसको हम तो भर्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन मुल्क में बहुत काफ़ी काम हैं अगर लोग मिलकर उसे करें, खुद कुछ पैदा करें बजाय इसके कि हर एक आदमी नौकरी की तरफ देखे। अभी कुछ दिनों में एक बड़ा चुनाव होने वाला है और आपके पास तरह तरह के बातें रखी जाएंगी, कही जाएंगी। मैं उस पर नहीं जाता, न मुनासिब है कि मैं जाऊं, सिवाय इसके कि ऐसे मौके पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे मुल्क के लोग शांति से, सहयोग से और अक्ल से काम लेंगे। कोई झगड़ा फसाद नहीं, कोई झूठ फरेब नहीं, क्योंकि चुनाव के वक्त पर झूठ फरेब बहुत चलता है, धोखेबाजी, उसमें आप नहीं पढ़ेंगे न औरों को पढ़ने देंगे। ये एक दुनिया के इतिहास में एक ज़बरदस्त चीज़ है जो यहाँ चुनाव होने वाला है, क्योंकि इतने लोग 17-18 करोड़ लोग आजकल दुनिया में किसी देश में एक प्रजातंत्रवादी चुनाव में नहीं पढ़े हैं। तो जितनी बड़ी बात है वो एक बड़ा इम्तिहान हमारे लिए है। उस इम्तिहान में अगर हम कामयाब हुए तो हमारी शक्ति बहुत बढ़ती है, नहीं हुए तो हम कुछ कमज़ोर होंगे और ऐसे मौके पर कमज़ोर होंगे जब काफ़ी खतरे हैं। ज़रा दुनिया की तरफ आप देखें, खतरनाक दुनिया है। एक छोटा देश कोरिया, साल भर से ऊपर से वहाँ लड़ाई ऐसी हुई कि वो देश तो करीब करीब नेस्त तो नाबूद हो गया, तबाह हो गया। लोग कहते हैं कि हम उनको कोरिया को बचाने को और आज़ाद करने को गए, लेकिन आखिर में शायद कोरिया में कोई इंसान न रहे जो उसको आज़ादी की ज़रूरत हो, ज़्यादातर लोग ख़त्म हो गए हों उस लड़ाई में। तो ये तो आजकल की दुनिया की हाल, दुनिया का हाल है। हमने एक विदेशी नीति पे हम चले कि हम लड़ाई झगड़ों में न पड़ें, हम दुनिया के देशों से अमन रखें। हम नहीं समझते कि हमारा देश लंबा चौड़ा है,
हम कोई गुरूर नहीं करते कि हम अपनी राय और लोगों को मजबूर करें, हम नहीं चाहते अपने अपने रास्ते पे लोग चलें और हम अपने रास्ते पे चलें। लेकिन आजकल की दुनिया गठी हुई है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, और मजबूरी दर्जे हमें भी और दुनिया के सवालों में पढ़ना पड़ता है और अपनी राय देनी होती है। हमेशा हमने कोशिश की कि इस बात को सामने रखें कि दुनिया में अमन कैसे होता है, क्योंकि आजकल लड़ाई से ज़्यादा खतरनाक और तबाह करने वाली चीज़ कोई नहीं। और अगर दुनिया भर में लड़ाई हुई, एक नए किस्म की लड़ाई, तो यकीनन दुनिया में जो कुछ तरक्की हुई है, जो कुछ दुनिया की कौमें बढ़ी हैं, वो सब बातें ख़त्म हो जाएंगी और एक वहशत की तरफ दुनिया फिर बढ़ने लगेगी। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। हम चाहते हैं दुनिया को रोकें, क्योंकि जो कुछ दुनिया में हो उसका असर हम पे पड़े, चाहे हम उसमें ज़्यादा हिस्सा लें या कम हिस्सा लें या न हिस्सा लें, असर हर मुल्क पे उसका पड़े। इसलिए हमने ये विदेशी नीति रखी, हमने कोशिश की कि हम हर मुल्क से दोस्ती करें, अपनी रास्ते पे चलते जाएं और उनसे दोस्ती करें। हमारी ख्वाहिश थी कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो कि कल या परसों या चार बरस हुए तक एक किसी हिंदुस्तान का एक जुज था, लेकिन उस दिन से आज के दिन चार बरस हुए वो अलग हो गया और पाकिस्तान बन गया। हमारी कोशिश थी कि उससे भी हम दोस्ती करें। हमें अफसोस हुआ कि हिंदुस्तान का टुकड़ा अलग हुआ, लेकिन हमारे आखिर में मंजूरी से हुआ, हमारी रजामंदी से हुआ, और ये सोच के हुआ कि इससे शायद हम फिर आइंदा ज़्यादा दोस्ती में रह सकें, आइंदा मिल सकें, और ये जो अंदरूनी झगड़े रोज़ हो रहे थे उनको भी कहीं से कम करना था, क्योंकि वो हमारे आज़ादी के रास्ते में आते थे। खैर, गलत क्या सही, हमने उस बात को मंजूर किया और उस बात से हमें कायम रहना है। ये बात आप साफ समझ लें कि जो लोग इस बात से कायम नहीं हैं और जो लोग कहते हैं कि नहीं उखाड़ पछाड़ करनी है, वो लोग न हमारे मुल्क की खिदमत करते हैं न किसी और बात की, क्योंकि इसके माने लड़ाई झगड़ा फसाद आप उसमें हर जगह, चुनाचे उस बात को तो पक्का समझना है। तो हमने कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से आप जानते हैं कि काफ़ी इस चार बरस में कश्मकश रहा पाकिस्तान की हुकूमत में और हमारी हुकूमत में। काफ़ी बड़े बड़े सवाल उठे, उन सवालों में जो मौका नहीं है कि मैं जाऊं, लेकिन इस वक्त कान में कुछ आवाज़ें आती हैं लड़ाई की, झोलों की, ललकारों की, और लोग कुछ डर कर कुछ जोश में गलत के कोई भी उनका जज्बा हो, उनके दिमागों में लड़ाई का चर्चा बहुत हो गया है पाकिस्तान में, वहाँ से आवाज़ें आती हैं। और जब हमने ये बहुत कुछ सुना तो जाहिर है हम नहीं लड़ाई चाहते, लेकिन हमारा फ़र्ज कि हम मुल्क को तैयार करें और हर तरह से मुल्क तैयार रहे, किसी खतरे में न पड़े। और हमने ये सोचा कि हमारा मुल्क पूरी तौर से तैयार है तब ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि कोई लड़ाई ना हो, क्योंकि जो लोग तैयार नहीं होते उनके ऊपर हमले होते हैं, जो तैयार हों हमले रुक जाते हैं। इसलिए ये समझ के इस तरह से लड़ाई रुक जाए कि हमने अपने तरफ से जो कुछ मुनासिब तैयारी करनी थी वो की। उसी के साथ आप जानते हैं कि बार बार मैंने आपसे और मुल्क से दरख्वास्त की कि कोई शहर में या और ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे जैसी कि पाकिस्तान की शहरों में हुई है, जिससे लोग समझें कि लड़ाई आने वाली है और जिससे एक खाम खा एक दहशत फैले और परेशानी फैले और हमारे काम काज में हर्ज हो। हम नहीं चाहते ऐसी फिजा पैदा करना। और मैं मशकूर हूँ आपका और लोगों का हिंदुस्तान में कि आपने हमारी सलाह को माना, कोई ऐसी फिजा नहीं पैदा की और इतनी जान से ठंडे दिल से हम अपने काम को करते रहे। और यहाँ नहीं खाली दिल्ली शहर में, बल्कि पंजाब में, पूर्वी पंजाब में सरहद तक अगर आप जाएँ तो बहुत आप देखेंगे कि हमारी भाई और बहन इतनी नाम से बगैर ज़रा भी परेशान हुए अपना काम काज
या शहर में या कारखाने में या जमीन पर करते जाते हैं ऐन हिंदुस्तान की सरहद तक, तो ये खुशी की बात है, ये ताकत की निशानी है और ये हमारी अमन पसंदी की निशानी है। तो इस बात को आप कायम रखें। लेकिन मैं चाहता हूँ खास आज के दिन और इस मौके पर इस बात को दोहराना और साफ करना कि हमारा मुल्क किसी किस्म की लड़ाई कहीं नहीं चाहता दुनिया में, लेकिन खास तौर से विशेषकर हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान से हमारी अनबन रहे, लड़ाई हो या कोई भी अनबन, क्योंकि आखिर में कुछ भी जोश आपको या पाकिस्तान वालों को हो जाए, आखिर में पाकिस्तान के रहने वाले कल हमारे भाई थे, हमारे एक मुल्क के रहने वाले थे, हजार रिश्ते, हजार नाते, हजार ताल्लुक, तो वो कैसे टूट जाए चार पांच बरस में और क्यों टूटे? हमारी एक बोली, हमारा रहन सहन एक, हमारी इतिहास तारीख बहुत कुछ एक, तो फिर क्यों वो लोग और हम लोग इस गफलत में पड़े और झगड़े में जाएं और एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश करें? मैं तो हैरान होता हूं जब मैं सोचता हूं कि कैसे हमारी ताकत जाया हो रही है इस तरह से, और किस गलत रास्ते से पाकिस्तान अक्सर चलता है, ताकत जाया होती है। इसलिए मैं बहुत सफाई से आपसे इस वक्त कह रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ पाकिस्तान के लोगों तक जाएगी और दुनिया भी सुने कि हमारा पक्का उसूल यह है और हमारी पूरी कोशिश यह है कि हम अमन से रहें, हम पाकिस्तान से अमन से रहें और हम पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती करें। हाँ, और कभी किसी बात पे आपको जोश चढ़ाए और तैश हो तो उसको आप ये समझें, ये ना समझें कि कौम के खिलाफ जोश है। अगर पाकिस्तान में किसी एक आदमी ने गलती की या दस ने या सौ ने या हजार ने, तो इसकी क्या मानी है कि आप करोड़ों आदमियों का दुश्मन अपना समझें? क्या आपके हिंदुस्तान में लोग गलती नहीं करते हैं? तो आप जितनी समझते हैं कि सारा हिंदुस्तान हमारा दुश्मन हो गया, काफ़ी ख़राब लोग वहाँ हैं, गलत रास्ते पे चलने वाले, काफ़ी गलत रास्ते पे चलने वाले हिंदुस्तान में भी होंगे। इसलिए हम एक तरफ से पूरी तौर से तैयार रहें, क्योंकि तैयारी से हम अपने को महसूस करते हैं और लड़ाइयों को रोकते हैं। दूसरे तरफ से हमेशा हमारा हाथ बढ़ाया जाएगा, बढ़ा रहेगा और कौमों से हाथ मिलाने के लिए। हम किसी को धमकी नहीं देना चाहते, किसी को मुक्का नहीं दिखाना चाहते, हम हाथ बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए। और वह हाथ बढ़ा है पाकिस्तान के लोगों के हाथ मिलाने के लिए भी, आज और कल भी रहेगा, और चाहे जोश हो चाहे कुछ हो उस उसूल पे हम कायम रहेंगे। हाँ, अगर हमारे मुल्क पे कोई हमला तो हमारा फ़र्ज है कि हिफाजत करें पूरी तौर से और उसके लिए तैयार रहें। आज के दिन ख़ास तौर से हमें कुछ इन पुराने उसूलों को याद रखना है जो महात्मा जी ने हमारे सामने रखे, जिस रास्ते पे चल के हमने मुल्क को आज़ाद किया। आखिर अगर उस रास्ते को हम छोड़ दें फिर क्या हमारा हशर होगा? खैर, मुझे तो इत्मीनान है कि क्या उसमें मुसीबतें आएंगी, और मुझे इत्मीनान है कि हमारे लिए बुनियादी तौर से वही एक रास्ता है जो गांधी जी ने दिखाया, उस पर हमें चलना है। इस झंडे के नीचे मैं खड़ा हूँ और आप भी इस झंडे को देख रहे हैं, एक प्यारा झंडा है, एक सुंदर झंडा है, और इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये कि ये एक निशानी है हमारे आज़ादी की लड़ाई का, इसके नीचे खड़े होके कितने बार हमने प्रतिज्ञा ली, इकरार किया कि हम उसूलों पे कायम रहेंगे और हम हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे और आज़ाद रखेंगे और हम हिंदुस्तान में एकता करेंगे और मिलके रहेंगे और हम कभी नीच बात नहीं करेंगे, ये हमने प्रतिज्ञा की। तो एक पुरानी निशानी है जो याद दिलाती है हमारे आज़ादी की लड़ाई को और उसमें कुर्बानियों को। उसी के साथ उसमें एक आजकल की निशानी है, और आप उसमें देखेंगे कि पुराना जो झंडा था उसमें उसको हमने रखा और उसमें थोड़ा सा फ़र्क भी कर दिया। वो फ़र्क क्या था? वो इसके बीच में एक चक्र आ गया,
और उस चक्र ने आके क्या किया, वो सारे हिंदुस्तान के पिछले कई हजार बरस की तारीख को इस झंडे में उसने ला के रख दिया, क्योंकि ये चक्र हिंदुस्तान की हजारों बरस पुरानी निशानी है। और ये चक्र निशानी है एक हिंदुस्तान की लड़ने की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के शांति प्रिय होने की, अमन पसंद होने की ये निशानी है कि हिंदुस्तान के लोग हमेशा याद रखें कि सच्चाई के और धर्म के रास्ते पर चलें। ये निशानी पुरानी है, अशोक के पहले, सम्राट अशोक के पहले की है, लेकिन सम्राट अशोक के नाम से खास तौर पे बंधी है। तो इसलिए इसके रखने से झंडे में हमारे हजारों बरस की तारीख इस झंडे से बंध गई, और हजारों बरस के जो हमारा सामने ध्येय था, जिस तरफ हिंदुस्तान के ऊंचे लोगों की निगाहें थी, वो बात इसमें आ गई। तो इसमें पुराना जमाना आया हजारों बरस का, इसमें पिछला जमाना आया 40-50 बरस का आज़ादी की लड़ाई का, और इसमें आज आई, और आखिर में इसमें आने वाला कल आया जो हमें दिखाता है किधर हम जाएंगे। पुराना जमाना हुआ, उससे हम सबक सीखें, उसकी अच्छी बातें याद रखें, लेकिन आखिर में हमारी निगाहें आगे होनी है, भविष्य की तरफ होनी है, जो आने वाला जमाना है उधर होनी है, और उसके लिए हमें तैयार होना है, तगड़ा होना है, मजबूत होना है, और जो जो तकलीफें मुसीबतें आएं उसको हिम्मत हार के नहीं, बल्कि उनको मजबूती से सामना करना है। क्योंकि मुझे इत्मीनान है कि हिंदुस्तान का भविष्य एक ज़बरदस्त भविष्य है। इस माने में नहीं कि हम और मुल्कों पर फतेह करें और हराएं, वो ज़माने गए मुल्कों के लिए, और जो कोई बड़े से बड़ा मुल्क दूसरे मुल्क को दबाना चाहे, अपनी हुकूमत में लाना चाहे, वो आजकल के ज़माने में बदनाम होता है और आखिर में उसे हार माननी होती है। तो इसलिए हम बड़ापन ये नहीं है कि हम और कौमों को दबाएं, बड़ापन यह है कि हम अपने मुल्क को ऊंचा करें और कौमों से दोस्ती करें और अपना फ़ायदा करें और दुनिया का फ़ायदा करें। इस रास्ते पे हमें चलना है, और इस नाजुक मौके पर आजकल के दुनिया के और हिंदुस्तान के हमें हर बात के लिए तैयार रहना है, और आप उसमें मिल के आगे बढ़ना है, क्योंकि हम सफ़र हैं, एक यात्रा पे हमें जानी है, और अगर हम रास्ते पे एक दूसरे से लड़ें तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बस अब मैं आपसे जय हिंद करके ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ 3 बार जय हिंद करें। जय हिंद, जरा जोर से कहिए जय हिंद, एक और दफे जय हिंद। Thank you.